अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं शेफ अहमद और आज आपसे मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर करने लगा। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर, क्योंकि आप सबको पता है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है और उसके से सब हम क्वारंटीन के अंदर अपने अपने घरों के अंदर। वही आज 25वां दिन है क्वारंटीन के अंदर और मैं आज आपको बताऊँगा कि इस क्वारंटीन टाइम में मैं अपना दिन कैसे गुजारूँ। दोपहर के 1 बजे सो के उठना, क्योंकि जॉब पर तो जाना नहीं है तो टेंशन तो है नहीं। उसके बाद अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना और ब्रेकफास्ट में आए फिर ऑमलेट, मुझे ऑमलेट ज़्यादा पसंद है। बॉस क्या कर रहे हो यार? वो मालदीव की ये थे मेरा दोस्त आहद मेमन और इन्हें हम प्यार से बॉस बुलाते हैं। बॉस इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये मेमन भाई हैं और इनसे काम कुछ होता नहीं है। उसके बाद नॉर्मली अपने काम करना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अकेले रहते हैं, फैमिली तो है नहीं हमारी, तो अपने सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं, कपड़े धोने से तय करके रखने तक। और इस फारिग वक्त में कुछ ना कुछ तो करना है ना टाइम पास करने के लिए, और इस टाइम पे लूडो हो जाए तो क्या ही बात है, और साथ में 3 दोस्त तो उसका तो मज़ा ही अलग हो जाता है। अभी मैं बाहर मार्केट से होकर आया हूँ और काफ़ी रश था मार्केट में, आते ही मैंने खास सैनिटाइज कर लिया। ये कि अच्छा मौसम हो रहा है बाहर तो आज काफ़ी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे घर की बेलकनी का व्यू है, ये सामने हॉस्टल है, बिल्कुल पीछे मेरे बैग पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रहते हैं, काफ़ी नीचे कॉफ़ी शॉप है जो कि बंद है, और बाकाया ये पीछे बैकग्राउंड व्यू। और अभी कुछ दिन पहले ही जिम ज्वाइन ही किया था कि कोरोना की वजह से फिर सब बंद हो गया है। अब जाहिर सी बात है इतना टाइम है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो घर में एक्सरसाइज करने से अच्छा और क्या हो सकता है। तो मेरे पास भी कोई ख़ास इक्विपमेंट नहीं है, पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो आप बगैर इक्विपमेंट की कर सकते हैं, तो और इससे आप फिट भी रह सकते हैं। तो ये था मेरा एक दिन क्वारंटीन लाइफ का। वो आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे और कम से कम बाहर निकलें ताकि कम से कम चांसेस हो आपको वायरस लगने के। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।